الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرض والصلاة والسلام على كنت نبيا وآدم بين الخلائق وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک بار اور بار بار کے ساتھ صلاة والسلام عليك يا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجل ہزار بار کو غلام ہزار بار کو غلام خلوص نامت گفتن کمال بے ادبیش یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يعين الصلاة كما كان حقه بعد الهدى بزر الطريق الشعير مقتصر بعد الحمد والصلاة اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب نبی نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول مختصم ہادی و شفیع امم فخر آدم و بنی آدم رحمت دو عالم احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
दालैन मुबारका की तवस्सुल और तशद्दुक से आज हम सब लोग मुहतरम हजरत अलहाज मोहम्मद अली साहिब और उनकी साहबजादगान की दावत पर पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत पीरजादा मोहम्मद अहमद साहिब कादरी जेब आसमान आलिया जामिया सूफिया पना के शरीफ की सदारत में इस महफिल मिलाद में हाजिर है। अल्लाह तबारक व तआला मेजबानों का बुलाना और दोस्त अहबाब का दूर नजदीक से चल के आना कबूलो मंजूर फरमाए। जिस मोहब्बत के साथ इन्होंने अपने पीर साहब को और मेहमानों को दावत दी, अल्लाह तबारक व तआला अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्ताने मोहतरम और बुजुर्गाने दीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजाइल शमाइल को बयान फरमाए हैं। उनमें से अगर एक को ले लिया जाए तो कमा हक़ हो उसको भी बयान किया जा सकता नहीं। क्यों? इसलिए कि तेरे और साहब का एक बाप भी पूरा न हुआ, जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गए। जब लिखने वाला खुदा है और जिसकी तारीफ लिखी गई वो मुस्तफा है, तो इंसानों के कलम क्या लिख सकते। बस मैं तो ये कहूंगा कि हजरत हस्सान से लेकर मेरे आका के आखिरी उम्मती यानी शायर तक जो भी लिखेंगे वो खुदा के कलाम की अकाशी होगी, बस नकल होगी, कापी होगी। कोई कहे ना मुझमें बड़ा कमाल है, ये नहीं, ये कमाल तो मुस्तफा का है कि जिसने अपनी बारगाह में बुला लिया। हकीकत यही है। और दो चार बातें मैं इब्तिदा में जरूर अर्ज करूंगा। बाज लोग ये कहते हैं जी महफिल पाक में आने वाले बद नसीब नसीब वाले हो जाते हैं, बुरे आए अच्छी हो जाती है, बुरा फिकाए सही हो जाती है। बात जो शुरू कर रहा हूँ तो उनके पीर साहब तशरीफ फरमा है और एक आस्ताने के बहुत बड़े बुजुर्ग की बात आपके सामने रख के बात को आगे बढ़ाती है ताकि अपनी बात समझ आना बे आने में आसानी हो जाए। हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी अल मारूफ पीर पठान सब कहो रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपसे किसी ने पूछा हजरत आप अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाते हैं, इसमें लोग आते हैं, हमारा विद्वान कहता है कि इस महफिल में आने वाला बदनसीब भी नसीब वाला हो जाता है। ये बड़ी बात कही मुरीद ने, लेकिन ख्वाजा साहब ने फरमाया लोगों तुम्हारी बात अपनी जगह, लेकिन याद रखो ये बात, जब अल्लाह रसूल की महफिल औलिया की बारगाह होती है वहां पर बदनसीब का काम किया आता ही नसीब वाला, आता ही नसीब वाला। और याद रखो ये जो महफिल है ना इसमें सारे नहीं आते। क्यों? इसमें वो लोग आते हैं जो मुंतखब होते हैं, सारे नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी तौहीद का ऐलान किया ना उसमें सारे थे।
उसमें कौन थे? सारे कुरान कह रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर बात पे हवाला दूंगा। कुरान कह रहा है अल्लाह ने सबसे फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, या मैं तुम्हारा रब नहीं। ऐलान हुआ तौहीद का, उलूहियत का, खुदा की वहदानियत का ऐलान हुआ। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं। कालू बला, सबने कहा हमारा परवरदिगार है। उस कॉन्फ्रेंस तौहीद के अंदर सारे थे, और जब रिसालत की बरस हुई फिर सारे नहीं थे। सुभान अल्लाह, फिर सारे नहीं थे, फिर प्यारे थे। फिर कौन थे? प्यारे थे। ये भी कुरान दो जगह पर फरमा रहा है, वाइज अखज़नाहु मीसाकन नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा थुम्मा ज़ादकुम रसूल। बाला ने ऐलान फरमाया है मुस्तफा की रिसालत का, बाला ने ऐलान किया है मुस्तफा की खत्म नबूवत का, उस खत्म नबूवत और रिसालत की बरस में बाला ने सारों को नहीं सिर्फ प्यारों को आज हम परेशान हो जाते हैं कि महफिल मीलाद में सारे नहीं आए। अब सारे आए क्यों? सारे खुदा ने बुलाए नहीं, तो फिर सारे कैसे आए? इसलिए नियाज़ी ने बहुत बार आला अक्कासी की कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और बाद लोगों को आज तक शक है, वो कहते हैं ये कान जो है ना सुन सुन के थक चुके हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि मिलाद मानते हैं, माशाल्लाह, वो ये कह रहे हैं एक दो नहीं बीसियों से मैंने सुना कि मानते हैं मनाते नहीं है। माशाल्लाह, ये अजीब फलसफा बोला है कि मानते हैं मनाते नहीं है। कहते मिलाद हो गया, मिलाद हो गया बस, मुस्तफा आ जाए बस, बस मनाना नहीं है, मान लिया। अब एक चूल्हे में मैं बात समझाना चाहता हूँ। पीर साहब आए हैं।